नफरत की सियासत करने वाले कुछ नेता ने यह बयान दिया है कि सीमांचल में खासकर किशनगंज और अररिया में आबादी बढ़ रही है। इनको मालूम नहीं है कि आबादी बढ़ने की असल वजह गुर्बत है। अगर अफ्रीका और यूथोपिया में वहां पर बच्चों की तादाद ज्यादा है तो गुर्बत है, और गुर्बत हमारे यहां भी है। तो इन लोगों को हमारी गुर्बत और नाखानदगी नजर नहीं आती है कि इससे कौम कैसे निकलेगी। ये चिढ़ाने के लिए जुमले बोल रहे हैं ताकि अमित शाह के आने से पहले नफरत की फिजा यहां पर बढ़ाई जाए। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त देश के लिए आबादी कोई मसला नहीं है। पीएफआई जो है, पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट, 3.4 था जो घटकर कौमी सतह पर 2.4 हो गया है, और सीमांचल में 2.7 है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप जान रहे हैं कि आबादी, यंग आबादी पूरे दुनिया में इस वक्त 65% लोग जवान हैं, वो भारत है। और खुद ही मोदी की गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया है 20 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में कि आबादी हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमने उसको कंट्रोल किया है और कंट्रोल है। बल्कि चाइना ने जो एक फैमिली एक ही बच्चा हुआ तो उनका नतीजा कि चाइना बुरा ही नहीं हुआ है बल्कि उसकी इकोनॉमी, उसका जीडीपी सब मुतासिर हुआ है, लेबर फोर्स उसका कमजोर हुआ है। और ये भारत इस वक्त अपनी आबादी की वजह से मजबूत हाल बना हुआ है, लेकिन सीमांचल को बदनाम कर रहे हैं कि ज्यादा आबादी होती है। अगर किसी के डरबे में मुर्गी अंडा नहीं देती है उसका जिम्मेदार सीमांचल का आदमी है क्या? किसी के घर बच्चा पैदा नहीं होता तो सीमांचल का आदमी जिम्मेदार है क्या? अपने घर को वो संभाले, लेकिन किसी के घर में ताक में झांकने की बात क्यों करता है? हमारी आबादी है, हम सुख और शांति से रहते हैं। वहां सबसे ज्यादा अगर तहजीब गंगो जमन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रेम किसी को देखना हो वो सीमांचल में आए, वो किशनगंज आए, वो अररिया आए। नफरत के सौदागरों को हमारा अमन पसंद नहीं आता है, और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन सीमांचल के अमन को कभी बर्बाद होने नहीं देंगे। हम सीमांचल के लोगों से कहना चाहते हैं कि सीमांचल के लोगों, आंखें खोलो और देखो कि उस इलाके में नफरत की फिजा कौन पैदा कर रहा है, कौन उसको शरण दे रहा है, और कौन वहां के हिंदू मुस्लिम तहजीब को, सिख ईसाई की मोहब्बतों को कौन पारा पारा कर रहा है। ऐसे दुश्मनों ने कौम को पहचानने की कोशिश करो। अगर दुश्मनों को नहीं पहचानोगे और अपनी कौम के दलालों की वजह से इनके झांसे में आ जाओगे तो वतन बर्बाद होकर रह जाएगा। हम वतन को इस सालमी